वहाँ पे उस पे न्यू वाले पे तड़पता है आदमी वहाँ बाथरूम जाने के। अच्छा, बाथरूम के लिए वहाँ पे ना पानी ना शौचालय कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, पानी का भी आधा घंटा चालू हो गया तो बंद है यार ऐसा। यहाँ का भी वही सिचुएशन गाइस, यहाँ पे शौचालय है लेकिन पानी का व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है अंदर के साइड प्लस। स्वागत प्रवेश द्वार नवादा, तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं अनारक्षित टिकट। तो यहाँ पे यार काउंटर भी बंद है और स्टेशन कुछ इस प्रकार है गाइस, देख सकते हो एंट्री। यार पुराना वाला था उसको तो सही किए नहीं और न्यू वाले पे हाथ लगा दिए। हाथ लगाने के बाद भी क्या गाइस, बना तो रहे हो चलो ठीक है, सबसे पहले पानी का व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कि ना न्यू वाले पे अवेलेबल रहती है ना ही पुराने वाले पे पानी का अवेलेबिलिटी होती है। चलो अच्छा है वहाँ तक सही है, लेकिन यार जब बना रहे हो तो सबसे पहले जो जनता होता है ना उनको सुरक्षा करना सबसे फर्स्ट दायित्व होता है, तो उनके लिए कोई अच्छा सा जगह बनाना चाहिए था जो कि धूप से बचे, पानी का सुविधा वहाँ पे हो। लोग धूप से बचने के लिए उस तरफ वेट कर रहे हैं, इस तरफ कुछ भी नहीं बना भाई, कब तक बनेगा ये तो कुछ अता पता है नहीं, बस बोल ही सकते हैं बन रहा है लेकिन कब तक बनेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। अभी कौन सी ट्रेन आ रही है? गया पैसेंजर। गया तक जाएगा, यहाँ पे एक कितना ट्रेन चलता है सुबह से शाम तक? बहुत ही भाई धूप से बचने के लिए ऐसा ही रहेगा ना, जब कहीं पे धूप से बचने का व्यवस्था नहीं रहेगा तो ऐसे ही लोग बैठेंगे ना, तो भाई कब तक बनेगी। कब आरक्षण टिकट खिड़की यहाँ पे, प्लस जो इंक्वायरी किया जाता है पूछताछ वो वहाँ पे। तो भाई न्यू बनाने से नहीं होता है, पार्किंग भी उसके लिए ज़रूरी है। और फिर ये देखिए कुछ इस प्रकार है न्यू रेलवे स्टेशन, बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो मैं अभी सो जय श्री राम गाइज, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, अभी अपन लोग हैं नवादा रेलवे स्टेशन में और फिर आज आपको नवादा रेलवे स्टेशन दिखाने वाले, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गया है। लाइक पहले बहुत ही छोटा स्टेशन था, अब भी ना बहुत ही अच्छा स्टेशन बन चुका है। तो अभी तो अपन लोग नालंदा नवादा रेलवे स्टेशन पे हैं, अभी मैं आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ। सो गाइज, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे सारा कार पार्किंग जो भी है सारा कुछ यहाँ पे पार्किंग होता है, प्लस अपना बाइक वहाँ पे पार्क हो रखा है इस कार के बिल्कुल ही पीछे ही। जगह देखो ना तो जगह काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे पार्किंग का कोई भी मतलब दिक्कत होने वाला में से नहीं है। और आगे साइड देखो ना तो वहाँ पे नवादा स्टेशन ऐसा लिखा हुआ है, नवादा सिर्फ लिखा हुआ है। तो अभी आपको ना मैं अंदर जाके दिखाता हूँ नवादा रेलवे स्टेशन का। तो ये इधर अपना बाइक है पार्किंग, लाइक देख सकते हो ये अपना बाइक है और यहाँ पर अभिषेक है। चलो अभिषेक। सो यहाँ से अपन लोग मेन गेट से ही एंट्री लेते हैं यहाँ के साइड से, और फिर यहाँ पे बिहार पुलिस का, आप लोग का बहुत सारे लोग का बिहार पुलिस का सेंटर भी पड़ा होगा ना, तो प्लीज़ गाइज कमेंट करना जिसका भी नवादा में सेंटर पड़ा है, मैं आपको यहाँ का सारा स्कूल बताऊँगा कहाँ पे सेंटर पड़ेगा, जो भी लोकेशन पड़ेगा ना वो मैं आपको बताऊँगा। तो एंट्री लेते के साथ कुछ ऐसा है लाइक स्वागत प्रवेश द्वार नवादा। तो यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं अनारक्षित टिकट। तो यहाँ पर यार काउंटर भी बंद है और स्टेशन कुछ इस प्रकार है गाइज, देख सकते हो एंट्री लेते के साथ कुछ ऐसा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये देखो, इधर पहले एक ही लाइन था अभी 2 लाइन हो चुका है, ये लाइन तो गायब ही कर दिया भाई, सिर्फ वो लाइन है। 2 लाइन कैसे चेंज हो गया भाई? 2 लाइन, दूसरा लाइन बन रहा है क्या? ये हट गया, ये लाइन था मे भी मेरे से ख्याल से ना ये वाली लाइन था पहले, अभी इसको हटा के उधर वाला किया प्लस इधर बनेगा। और यहाँ पर देखिए सेलिंग करते हुए सारा कुछ, और उधर की साइड देखिए ना तो सेकेंड क्लास वेटिंग हॉल, वहाँ पे बेटिंग हॉल भी है। तो बेटिंग हॉल में भाई मतलब कैसा है बेटिंग हॉल ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। टिकट काउंटर में तो कोई है ही नहीं, और बेटिंग हॉल में देखते हैं क्या माहौल है बेटिंग हॉल का। सो, देख सकते हैं ये अपना बेटिंग हॉल है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे नवादा। तो ऐसा कुछ है बेटिंग हॉल, ये देखिए ऐसा है बेटिंग हॉल। मतलब यार व्यवस्था यहाँ पे कब तक पूरा अच्छे से बनाओगे ना ये नहीं पता है यार, मतलब ऐसा स्टेशन यार इसको जल्दी से बनाना चाहिए था, बट अभी तक कुछ भी ना कोई व्यवस्था ना है यहाँ का। ये शायद जो प्लेटफॉर्म चेंज वाली होती है ना वही थी फ्लाईओवर, जिसको तोड़ दिया गया, तोड़ के फिर से बनाया जाता है, रिकन्स्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो आगे बनने के बाद ना ये रेलवे स्टेशन कैसा दिखेगा ये तो आगे के टाइम में ही पता चलेगा। वहाँ के साइड देखो क्रेन जोरों तोरों से काम चल रही है भाई, काम पे सारा कुछ सामान ला के रखा गया है, पटरी का सामान, और यहाँ पे शौचालय है, और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नवादा।
रेलवे स्टेशन, सिर्फ नवादा लिखा हुआ रेलवे स्टेशन, हॉल्ट जंक्शन कुछ भी पता नहीं चलता। मेन स्टेशन उधर रोड पे। अरे भाई ऐसा कैसे, तो ये क्या है, यहाँ पे भी मेन एंट्री तो यहाँ पे था ना, यहाँ पे बन रहा था आगे पहले। अच्छा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है आगे मेन है, तो वो भी देख लेते हैं ना कैसा आगे का रेलवे स्टेशन है, वो भी देखते हैं भाई। फिलहाल तो ये वाला मेरे को उतना खास लगा नहीं, बट वो न्यू वाला रिकंस्ट्रक्शन होके बन रहा है ना, तो वो वाला कैसा हो तो वहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये वाली तो भाई कुछ ऐसा है, आप लोग देख ही सकते हो, बट ये पुराना वाला है, न्यू वाला वो होगा, तो आपको न्यू वाला भी दिखाते हैं गाइज अभी। सो गाइज अभी तो अपन लोग पुराने वाले पे ही। भैया न्यू वाला रेलवे स्टेशन वो बन रहा है क्या, और ये पुराना वाला है, ये पुराना और फिर वो न्यू वाला बन चुका है, फिर और भी बन रहा है अभी। अच्छा तो वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा वो भी क्या हुआ है जो, तो फिलहाल चलते हैं। बट पहले वाला यार मतलब इसको बनाना चाहिए था, काफ़ी फेमस वाला है ना यहाँ पे, तो इसको भी बनाना चाहिए था, वो तो बन चुका वो भी सही है, बट इसको भी और भी अच्छे तरीके से बनाना चाहिए था। बट देखते हैं आगे का टाइम समय क्या होता है यहाँ का स्टेशन के बारे में। वहाँ पे उस पे न्यू वाले पे तड़पता है आदमी वहाँ बाथरूम जाने के। अच्छा बाथरूम के लिए वहाँ पे ना पानी ना शौचालय कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, पानी का भी आधा घंटा चालू हो गया तो बंदे यार ऐसा, यहाँ का भी वही सिचुएशन मेरे को देखने से ही लगा ना, स्टार्टिंग में लग गया तो यार ये देखो यार यहाँ पे पानी का भी सिचुएशन सही नहीं है, टॉयलेट का भी सही नहीं है, और न्यू वाला में तो कुछ भी सही नहीं है, यहाँ पे था भी तो उसको कबाड़ के लेके चला गया, तो अभी देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद क्या सीन होता है। गाइस यहाँ पे शौचालय है लेकिन पानी का व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है अंदर के साइड, प्लस शौचालय भी अंदर कैसा वो तो जाने यार, यहाँ के जो लोग रहते वो जाने, हमें तो अभी अंदर जाके नहीं देख सकते क्योंकि आगे का भी कवर अप करना है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे पानी का व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। अगर प्यासे आओगे ना तो भाई पानी को लेकर तरस जाओगे। प्लस बगल में ही राजकीय रेल थाना नवादा, यहाँ पे रेल का थाना भी है लेकिन फिर भी कोई कुछ भी सेफ्टी नहीं है भाई, यहाँ पर सिर्फ पटरियाँ यहाँ पर लगी हुई है बस, कब तक ये स्टार्ट होती है तो वक्त ही बताएगा। बट अभी फिलहाल न्यू वाला स्टेशन पे पहुँचते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो मैं कभी देखा नहीं यहाँ पे कोई ट्रेन व्रेन भी आती है, मेरे को उतना कुछ पता है नहीं, बट मैंने जहाँ तक के सर्च मारा ना एक भी ट्रेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, एक भी नहीं था भाई। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग वाला फाटक है, इधर के साइड से क्रॉसिंग होता है और इधर के साइड से क्रॉसिंग करते हैं। प्लस ये देखो ना, तो ये मेन लाइन है, प्लस सारे लोग धूप से बचने के लिए उस तरफ वेट कर रहे हैं, इस तरफ कुछ भी नहीं बना भाई, कब तक बनेगा ये तो कुछ अता पता है नहीं, बस बोल ही सकते हैं बन रहा है लेकिन कब तक बनेगा ये तो मुझे भी नहीं पता कोई टाइम पर, क्योंकि बिना कुछ जाने मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो इसके लिए तो बस वक्त ही बताएगा ना, बस वही देखते हैं। प्लस साइड के साइड देखिए ना आप लोग, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, खेलते कूदते बच्चे ये सब, और अभी अपन लोग इस रास्ते से चलते जा रहे हैं, लाइक देख सकते हैं अभी अपन लोग ऐसे ही चल रहे हैं बीच पटरी पे ही। तो यहाँ पे दो लाइन है, एक ये लाइन एक वो लाइन, और पुराना वाला पे बस मेन लाइन को तोड़ के दूसरा लाइन ये वाला बिछाया गया, ये वाली पटरी जा रही है ना, ये वाली डायरेक्ट चल जाती है, इधर नहीं इधर के साइड टर्न होकर डायरेक्ट सामने चली जाती है, वो भी आगे की साइड से बंदी है। सो यहाँ पे कहाँ से कहाँ का ट्रेन आता है वो भी नहीं पता, बस सामने की साइड देखिए ना तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अभी मेरे से ख्याल से कोई ट्रेन आने वाली है तो उसी का इंतज़ार में सारे लोग हैं, बट फिलहाल मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा कोई ट्रेन आने वाला क्योंकि रेड सिग्नल आगे की साइड दिख रहा है। सो ये देखिए ये न्यू है रेलवे स्टेशन नवादा का, तो यहाँ पे मेनली सिर्फ दो लाइन बिछा हुआ है, और ये देखिए स्टेशन का माहौल कुछ ऐसा है इधर के साइड, लाइक एंट्री लेते हैं यहाँ पे, वो तो मेन गेट है वहाँ से मेन एंट्री होता है बाहर के साइड से, लेकिन यहाँ से भी एंट्री करते हैं कुछ लोग पीछे के साइड से, और ये कुछ ऐसा है अभी कोई ट्रेन आने वाला नवादा, यहाँ भी सिर्फ नवादा भाई, मतलब स्टेशन है जंक्शन है हॉल्ट है क्या है कुछ भी नहीं, सिर्फ नवादा भाई, नवादा क्या भाई, कुछ सर्च मारेंगे तो नवादा के नाम से शो भी नहीं करेगा मेरे ऐसा ख्याल से, बट होप कि कुछ ऐसा हो कोई ट्रेन आती हो या आती होगी। बट ये देखिए सारा न्यू अभी लगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ भी है, कोई ट्रेन आने वाली है। अभी कौन सी ट्रेन आ रही है भाई, अभी कौन सी ट्रेन आ रही है, गया पैसेंजर, गया तक जाएगा, यहाँ पे एक कितना ट्रेन चलता है सुबह से शाम तक, अभी तो हम लोग नहीं बता रहे हैं, हम लोग के यहाँ घर नहीं है, आपका यहाँ घर नहीं है, दाऊदनगर। अच्छा तो
मैंने तो सर्च मारा तो एक भी ट्रेन शो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी गया पैसेंजर आ रही है तो गया की तरफ जाएगी नवादा से यहाँ से बिल्कुल ही। तो सामने की साइड देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ भी है वहाँ पे। धूप से बचने के लिए देखिएगा जैसे थोड़ा थोड़ा सा यहीं बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा वहीं सारे लोग एकदम घुस घुस के रहते हैं ताकि धूप से बचें, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है आप लोग देख सकते हैं। और आगे की साइड जाइएगा ना तो कुछ ऐसा ही लाइक जैसा जैसा यहाँ पे धूप से बचने के लिए बना हुआ है ना, बस वैसा ही सारा कुछ मिलेगा। और फिर ये देखिए मेन स्टेशन यहाँ पे बना है, कुछ इस प्रकार ऐसा बना है। तो मैं आपको बाहर के साइड से भी दिखाता हूँ यहाँ पे बुकिंग कहाँ पे होता है, टिकट काउंटर कहाँ पे है, वो भी मैं आपको नीचे के साइड से जाके दिखाता हूँ। सो ये देखिए गाइज यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, शायद इस तरफ से तो कोई नहीं आएगा, ट्रेन जो भी आएगा उसी प्लेटफॉर्म पे आएगा। तो ट्रेन जब आने लगेगी ना गया पैसेंजर तो यहाँ से सारे लोग जाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं ट्रेन का, बहुत ही भाई धूप से बचने के लिए ऐसा ही रहेगा ना, जब कहीं पे धूप से बचने का व्यवस्था नहीं रहेगा तो ऐसे ही लोग बैठेंगे ना। तो भाई कब तक बनेगी, कब तक बैठने वाला जगह बनेगा वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ इस प्रकार भीड़ है गाइस आप लोग देख सकते हो। और इधर के साइड से मेन एंट्री है यहाँ के साइड से, ये देखिए आगे तक कुछ ऐसा ही भीड़ है, प्लस यहाँ के साइड से मेन एंट्री है, ये देखिए नवादा स्टेशन आगमन 352 कुछ इस प्रकार ट्रेन आती है, आप लोग देख सकते हैं इतना नंबर ट्रेन और इतना टाइमिंग से आती है। यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ पे सहयोग काउंटर है, आरक्षण टिकट खिड़की यहाँ पे है, प्लस जो इंक्वायरी किया जाता है पूछताछ वो वहाँ पे है, वहाँ पे टिकट फॉर्म टिकट लिया जाता है वहाँ से। और उधर के साइड से भी वही है अनारक्षित टिकट खिड़की, 24 घंटा टिकट मिलता है वहाँ पे, तो कुछ ऐसा है। और यहाँ के साइड आप लोग बाहर निकलिएगा ना तो कोई पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, बस न्यू बन तो गया है लेकिन पार्किंग का कोई व्यवस्था है नहीं। तो भाई न्यू बनाने से नहीं होता है, पार्किंग भी उसके लिए ज़रूरी है। और फिर ये देखिए कुछ इस प्रकार है न्यू रेलवे स्टेशन, बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है, तो मैं अभी नीचे के साइड से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लगता है अपना न्यू रेलवे स्टेशन नवादा का, कुछ नाम ये सब कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही आगे की साइड देखिए ना तो यहाँ पे नवादा सिर्फ लिखा हुआ है, बाकी यार ऐसा रेलवे स्टेशन आज तक मैंने नहीं देखा है कुछ, मतलब पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, पुराना वाला ही सही था, उसी को बना देना चाहिए था अच्छे तरीके से तो और भी अच्छा हो जाता है। जगह रहने से नहीं होता है ना, जगह रहने से बिल्कुल भी नहीं होता गाइज, उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो ना वो बताता है। तो यहाँ पे तो जगह है लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अपना बिहार में देखो ना तो वही स्टेशन है, उसी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं यार, जैसे तैसे कर दिया यहाँ पे, और कब तक ये भी बन के कम्प्लीट होगा वो भी नहीं पता है। सो फाइनली आज आप लोगों को दिखा दिए नवादा रेलवे स्टेशन, प्लस यार पुराना वाला था उसको तो सही किए नहीं और न्यू वाले पे हाथ लगा दिए, हाथ लगाने के बाद भी क्या गाइज बना तो रहे हो चलो ठीक है, सबसे पहले पानी का व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कि ना न्यू वाले पे अवेलेबल रहती है ना ही पुराने वाले पे पानी का अवेलेबिलिटी होती है। पुराने वाले पे क्या है आपका शौचालय भी है, पानी भी थी लेकिन पानी छीन लिया गया, शौचालय कोई यूज करता नहीं, पानी नहीं तो शौचालय नहीं, प्लस इसके बावजूद भी ना बहुत कुछ कमियाँ ऐसा दिखी, बट आगे क्या होता है इसका क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या आगे का मतलब कब तक ये सही होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जितना तक के लोग बताए हैं उतना तक में ना मेरे को लगा यार न्यू का कुछ लोचा लपाटा रखना नहीं चाहिए था भाई, जो बना था ना पुराना उसी को आपको सही करना चाहिए था तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि जो पुराना वाला है ना रेलवे स्टेशन उसके पास जगह बहुत ही ज़्यादा था, अगर उसको रीडेवलपमेंट कर देते ना आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से बन सकता था, लेकिन आपने उसको रीडेवलपमेंट ना करके एक नया दूसरा नवादा रेलवे स्टेशन को बनाने का विचार किया, चलो अच्छा है वहाँ तक सही है, लेकिन यार जब बना रहे हो तो सबसे पहले जो जनता होता है ना उनको सुरक्षा करना सबसे फर्स्ट दायित्व होता है, तो उनके लिए कोई अच्छा सा जगह बनाना चाहिए था जो कि धूप से बचे, पानी का सुविधा वहाँ पे हो, लेकिन कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं था, वहाँ के लोग सारे लोग यही बोल रहे थे कोई व्यवस्था है नहीं, बस बनता ही जा रहा है, कुछ पहले से ही काम चल रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पुराना वाला पे अगर लगता ना तो अभी तक कंप्लीट हो जाता, प्लस पुराना वाला के पास जगह बहुत था, बहुत ही अच्छा से बनता, लेकिन उसको ना करके न्यू वाले पे काम किया जा रहा है। तो इट्स टू बी ऑनेस्ट गाइज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग्स नहीं आया, मतलब लोग बहुत ही लाचार हो चुके हैं, पानी जब नहीं मिलेगा तो अब भी लाचार हो सकते हो गाइज, सोच ही सकते हो। तो चलो कोई ना, वहाँ के लोगों से मैंने बात किया, आपको दिखाया भी
पानी का बहुत ज़्यादा कमी है इधर ये रेलवे स्टेशन पे, प्लस शौचालय भी सही रूप से नहीं है। तो बस यही कुछ है, प्लस जिनका भी नवादा में आपका सेंटर पड़ा है ना, वो प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस, कौन सा सेंटर कहाँ पे पड़ा है, कौन सा स्कूल है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको वहाँ तक का एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा, कैसे जाना है, डायरेक्शन कैसे होगा, कितना ऑटो भाड़ा देना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सारा कुछ बताना जिनका भी बिहार पुलिस का सेंटर पड़ा है। तो आई होप, मैं अब सोच रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा, और अभी हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि समझ सकते हो कितना डिस्टेंस अपन लोग ट्रैवल किए हैं। तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करेगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइज, हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय। यूँ ही नहीं बोल रहा था गाइज, यहाँ पे देख रहे हो जगह कितना भयानक वाला जगह है, एकदम खुला खुला सा, बहुत ज़्यादा, कितना भी व्हीकल्स आएगा ना यहाँ पे आराम से खड़ा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ही जगह नहीं है गाइज। आगे के साइड, बाहर के साइड आप लोगों ने देखा ना, प्लस अंदर के साइड उतना जगह नहीं जितना इस ये रेलवे स्टेशन का है ना पुराना वाला, उतना बाहर नहीं है।